तो अभी खेड़ की मार्केट में आ गए हो, देख सकते हो ये पापा मेरे लग रहे हैं ना सेम सेम। यहाँ पे दीदी बना रही है, क्या बना रहे हो वैसे? ये रेसिपी अपलोड करूंगी, देख लेना। अच्छा अपलोड करोगे तो देखना। अभी तुमसे ये देखो एक एक चीज दिखाओ, बनेगा तो देख लेना ऐसा बोल रहे। तो यहाँ पे वीडियो बना रहे देख सकते हो, क्योंकि दीदी का जो है ना वो कुकिंग का चैनल है, बहुत से लोगों को पता है बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, स्वागत हो चुका है आप सभी का एक नए व्लॉग के अंदर। एंड फाइनली एक महीने के बाद में जो है ना वो व्लॉग बना रहा हूँ। और मैंने डिसाइड किया था कि भाई जब तक मैं मुंबई में रहूँगा तब तक तो व्लॉग नहीं बनाऊँगा, मैं जब फ्री हो जाऊँगा तभी व्लॉगिंग रिटर्न से शुरू करूँगा। क्योंकि मुंबई में ना बहुत सारे प्रॉब्लम थे, आप सभी को पता है कि मैं घूमने के इरादे से नहीं गया था। शुरुआत में तो घूमने के इरादे से गया था, बट वहाँ पे मेरी अच्छी खासी जॉब लग गई थी तो मैं वहीं पे जॉब करने लग गया था। मैं सोचा था कि ठीक है कुछ मंथ यहाँ पे जॉब कर लेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न से अपने मतलब घर चले आएंगे। और फाइनली ऐसा ही हुआ, मैं जॉब पे लग गया और उसके बाद अपने घर पे आ गया अभी। और अभी रिटर्न से हम लोग डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह करेंगे, या तो डेली व्लॉगिंग या तो रिटर्न से ट्रैवलिंग व्लॉगिंग, मतलब यहाँ वहाँ घूम के मतलब व्लॉग बनाएंगे। लेकिन हाँ, अब व्लॉग भी आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं करते रहूँगा इस चैनल पे, तो देखते भाई। तो मैं कल यहाँ पे आया मतलब अपने घर पे, एंड आज सुबह जब ऊपर आया तब देखा यहाँ पे देख सकते हो पूरी ये देख सकते हो पूरा छत लग गया है टेरिस के ऊपर। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पहले पूरी ओपन थी आप सभी को पता है, बट यहाँ पे अभी लग गई है छत। और मोटा भी कितना ज़्यादा हो गया हूँ मैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। मतलब ये 3-4 महीने के अंदर ही है ना खेड़ इतना ज़्यादा बदल गया है ना, कसम से मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो पूरी छत आ गई, ऊपर से वहाँ पे देख सकते हो एक न्यू घर बनना चालू हो गया, मतलब इतना ज़्यादा भी बन गया। जब मैं यहाँ से जा रहा था ना उस टाइम पे ये घर का काम चल रहा था, लेकिन अभी देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब 3-3 माले का तो बिल्डिंग बन गया है वहाँ पे देख सकते हो। पहले वहाँ पे मतलब छोटा सा घर था, लेकिन अभी वहाँ पे शायद बिल्डिंग बना दी और कितना ज़्यादा काम हो गया। उसके बाद मस्जिद का भी कलर हो गया देख सकते हो, और कितना शांत एरिया लग रहा है यहाँ पे भाई, देखो कितना शांति लग रहा है। इसके लिए मुझे खेड़ पसंद है क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे, नीचे चलते हैं पापा के पास चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। उसके बाद आज कहीं ना कहीं तो घूमने चलेंगे, वो दूसरा ब्लॉग बनाऊंगा उसका, ताकि 2 ब्लॉग बने आज। हाँ जी, तो अभी मैं जो आया था वो अपनी बहन को छोड़ने आया था स्टेशन पे, क्योंकि वो जो मुंबई से आई थी यहाँ पे घूमने के लिए, तो अभी वो तो जा रही है उसके घर, तो ट्रेन भी यहाँ से जा रही है और मैं छोड़ दिया दीदी को, और निहाल भी आ गया था तब तक। तो अभी हम लोग यहीं पर घूम रहे हैं, यहाँ पर पानी है हाथ में धुल लेते हैं। बोले भाई इतना गर्म पानी है, एकदम गर्म गर्म पानी आ रहा था, उसके बाद अभी ना ठंडा हो गया। कौओ ने घोंसला किधर बनाया अपना, कितना मतलब उसके अंदर है भाई, एकदम लाइट्स के अंदर है, अच्छे लग रहे हैं ना, कितना मस्त ओपन में पूरा घर है, मस्त भी की ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी और एकदम मस्त घर है सब। हम लोग स्टेशन के एकदम कोने पे आ गए थे और हमारी गाड़ी स्टेशन के एंडिंग पे, क्योंकि वहीं से वहीं पे गाड़ी लेके टिकट लेके हम लोग यहाँ पे आ गए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ गया है। तो अब जा रहे हैं वहीं पे, वही टिकट लेंगे और वहाँ से निकल लेंगे। हाँ टिकट सॉरी गाड़ी, अच्छा वो बता दिया हाँ तो वहाँ से गाड़ी लेंगे और निकल लेंगे अपने घर की तरफ या तो कहीं और, ठीक है। तो अभी अपने गाड़ी के पास भी आ गए और कितने दिनों के बाद गाड़ी चला रहा हूँ अभी, सीरियसली भाई साहब बहुत दिनों के बाद इस गाड़ी को हाथ लगाया। गाड़ी का पापा ने काम वगैरह कराया ना, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है गाड़ियाँ। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और कोई दूसरा चीज़ दिखता है तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। और आजकल जो है ना मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाऊंगा, मिनी ब्लॉग बोल सकते हैं, तो आप लोग मिनी ब्लॉग पे भी सपोर्ट दिखाना, वैसे ऑलरेडी आते ही रहता है मिनी ब्लॉग पे सपोर्ट, तो आप लोग दिखा देना। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, और क्या, बाकी रोड तो अच्छा खासा बन गया है तो उसका टेंशन नहीं है कुछ, पहले बहुत ख़राब रोड था। तो अभी तो फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ, एंड यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, ये देखो यहाँ पे दीदी बना रही है, क्या बना रहे हो वैसे? ये रेसिपी अपलोड करूंगी, देख लेना। अच्छा अपलोड करोगे तो देखना। अभी तुमसे ये देखो एक एक चीज दिखाओ, पटले पे खड़े तब मेरे हाइट पे आ रहे, बताओ ठीक है। तो
बनेगा तो देख लेना ऐसा बोल रहे, तो यहाँ पे वीडियो बना रहे देख सकते हो, क्योंकि दीदी का जो है ना वो कुकिंग का चैनल है, बहुत से लोगों को पता है बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि इनके चैनल का नाम है कुक विद इशरत, मैं यहाँ पे शो कर दूंगा और मेरे चैनल के बायो में भी लिंक है, लिंक पहले से है, तो आप लोग जाना एक बार सपोर्ट दिखा देना, तुम भी बोल दो और मेरे चैनल के बायो में इसका लिंक है तो इसको भी सपोर्ट दिखा देना। ठीक है, तो चैनल का नाम बोल दो पहले। अरे तुम्हारे चैनल का नाम अच्छा, ओके तो दीदी को सपोर्ट दिखा देना। और ये देखो ऐसा कुछ बना रहे, गोल गोल सा पता नहीं क्या है, चावल के आटे से बना रहे हो ना। इसको गुजिया बोलते हैं, गुजिया गुजिया बना रहे, गुजिया चिकन गुजिया, चिकन गुजिया, ठीक है चिकन गुजिया। तो हाँ आप लोग देख लेना जो वीडियो वीडियो बन जाएगा यूट्यूब पे, जिसको भी रेसिपी देखनी हो तो देख लेना, जाके एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी निहाल भी बैठा है, गेम डाउनलोड हो गया, हो गया। ओके तो चलो अभी मैं गेम खेल के आता हूँ, फिर बात करता हूँ। तो अभी शाम के 6 बज रहे और अभी हम लोग मतलब निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लोग नहीं, मैं निकल रहा हूँ अपने पापा के पास, थोड़ी उनकी हेल्प कर लेता हूँ। और क्या आज का दिन तो नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि अभी मैं आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो थोड़ा बहुत आराम करूँगा, फिर रिटर्न से हम लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग अपना शुरू करेंगे। इसे देखो क्या कर रहे हैं, काला, हाँ तो काला आ रहा हो, तो काला हूँ तो काला नहीं आऊँगा क्या, ये बता। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है, क्या देख रहे थे, हाँ अभी सनसेट होने वाला है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और मैं जस्ट ऐसे ही यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे ही मन कर गया, तो मैं सोचा चलो यहीं से चलते हैं। आवाज़ आ रही है क्या आप लोग को, पता नहीं यार, आइडिया नहीं है, क्योंकि आवाज़ चल रही होगी ना अभी, क्या आवाज़ आ रही होगी आपको, तो ऐसे ही एडजस्ट कर लो, तो चलो चलते हैं। तो अभी खेड़की मार्केट में आ गए हो, देख सकते हो ये पापा मेरे लग रहे हैं ना सेम सेम। तो कैसे हो? अच्छा अच्छा, तो देख सकते हो कितना मस्त है संतरा, पहले आप कुछ भी नहीं रखते थे ना, अभी ये सब रखना चालू किए, ये देखो अभी ये सब रखना चालू किए। ये हमारे काका दाबेली वाला, हाँ दाबेली वाला आया है, नमस्कार। तो ये जो पूजा बैंगल है ना, ये इनकी ही है, तो इनके जो सामने हम लोग की मतलब छोटी सी दुकान है जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं। तो काका कैसे हो? ठीक हो? ठीक है काका, ठीक है। ये पकड़ लिया अखलक चचा, अरे बेसाओ। तो ये हमारे अखलक चचा जो कि गोसिया बेकरी संभालते हैं यहाँ की, है ना। रोजो है नाय काय बोलता हो काय। तो अगर तुम लोग अभी कमेंट करते हो ना मुझे के, तो फिर मैं एक काम करूंगा, यहाँ का खेड़ बाजार पेट का पूरा व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि बाजार पेट में हर कोई मेरे पहचान का है, तो मजा आएगी। क्या क्या देख रहे हो सर? हाँ तो अभी मैं अपने गोडाउन पे आया था, जो कि देख सकते हो यहाँ पे कलीगन वगैरह रहते हैं हम लोग के गोडाउन में, छोटा सा गोडाउन है बट यहाँ पे एसी वगैरह भी लगी हुई है, घर में एसी नहीं है लेकिन गोडाउन में दो दो एसी है, क्योंकि जब केले वगैरह आते हैं ना तो उन लोग को ठंडी लगने के लिए मतलब अच्छा खराब ना हो इसलिए एसी रहना पड़ता है, थोड़ा ठंडा केला रहेगा ना तभी केले खराब नहीं होते, मैं सोचा ये मैं आप लोग को दिखा दूँ। हाँ बट उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि अभी कल से ना मैं मतलब बहुत मस्त मस्त कंटेंट आने वाले कल से मस्त मस्त कंटेंट आने वाले अभी इस चैनल पर, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट सब कुछ कर देना। और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है खेड़ में, जब से आया हो इतने लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा, मतलब जिनको मैं जानता भी नहीं ना वो भी ऐसा मतलब रुक रुक के आवाज़ दे रहे हैं मुझे और मेरे पास आ रहे हैं, मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं, मुझे इतना ऐसा फीलिंग आ रहा है ना, कसम से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही हो, इतना अच्छा लग रहा है ना कि भाई मतलब आप लोग हाँ मुझे सपोर्ट कर रहे हो बस। तो इसीलिए अभी मैं खेड़ की बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो इसीलिए लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अभी फटाफट से पप्पा का माल लगवाता हूँ, फिर यहाँ से चलते सीधा घर पे।